दोस्तों, क्या आप अपने WhatsApp की लाइव लोकेशन शेयर करना चाहते हैं? दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि WhatsApp में अपना लाइव लोकेशन कैसे शेयर किया जाता है? अगर हाँ, तो फिर आप इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे हम अपने फोन की स्क्रीन पे हैं और यहाँ पे WhatsApp में लाइव लोकेशन शेयर करने के लिए ओपन करते हैं अपने WhatsApp को। WhatsApp ओपन हो जाने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना होगा कि आप जैसे नॉर्मली चैट करते हैं, आप उसी तरह से उस कॉन्टेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा जिसे आप अपना लाइव लोकेशन शेयर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं इस कॉन्टेक्ट को यहां पे सिलेक्ट कर ले रहा हूं, इसे मैं अपना लाइव लोकेशन शेयर करना चाह रहा हूं। तो लाइव लोकेशन शेयर करने के लिए आपको यहां पे क्लिक करना होगा। यहां पे आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों। अब यहां पे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, डॉक्यूमेंट, कैमरा, गैलरी, और यहां पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है लोकेशन का। यहां पे आप इस लोकेशन पे क्लिक कीजिएगा। यहां पे दोस्तों आपको क्लिक करना होगा कंटिन्यू, और इसके बाद दोस्तों यहां पे आप फिर से क्लिक कीजिएगा अलाउ। अब दोस्तों यहां पे आपको क्या करना होगा कि अपनी जीपीएस ऑन करने के लिए यहां पे आपको ओके पे क्लिक करना होगा, और इसके बाद दोस्तों यहां पे क्लिक करके आप अपनी फोन के जीपीएस को ऑन कर दीजिएगा। और यहां से हम आते हैं बैक। अब दोस्तों यहां पे आपके फोन में ये आपका लोकेशन शो करता है, आपका करंट लोकेशन शो करता है। इसे शेयर करने के लिए आपको यहां पे क्लिक करना होगा शेयर लाइव लोकेशन पे, और इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा कंटिन्यू। दोस्तों यहां पे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाता है, 15 मिनट, 1 घंटे और 8 घंटे। अगर आप अपनी लोकेशन को सिर्फ 15 मिनट के लिए शेयर करना चाहते हैं तो यहां पे आप 15 मिनट पे क्लिक कीजिएगा। डिफॉल्ट रूप से ये 1 घंटा टिक रहता है। अगर आप अपनी लोकेशन 8 घंटा के लिए शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 8 घंटा पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपनी लोकेशन सिर्फ 1 घंटा के लिए अपने दोस्त को शेयर करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए 1 घंटा पे मैं टिक रहने दूंगा। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे सेंड वाले आइकॉन पे। अब दोस्तों आपका जो फ्रेंड है, आपके फ्रेंड पे ये लोकेशन शेयर हो जाता है। अगर आपका फ्रेंड यहाँ पे क्लिक करता है तो अभी आप जहाँ पे हैं, आपकी लाइव लोकेशन वो देख सकता है। आप जहाँ पे जाइएगा 1 घंटे के लिए आपका लोकेशन ये बताता रहेगा। अगर आप इसे बीच में स्टॉप करना चाहें तो यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग पे क्लिक करके आप स्टॉप कर सकते हैं। बाय द वे, ये 1 घंटा के बाद खुद से स्टॉप हो जाएगा। अगर आप इसे स्टॉप करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा स्टॉप पे।